लिटरली जो काम हॉटस्टार इतने सालों में नहीं कर पाया, वो काम जियो सिनेमा मुझे लगता है बहुत आराम से 1 से 1.5 साल में करके दिखाएगा। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा लाइव 33। तो आज की ये वीडियो एक अपडेट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं HBO के 2 सबसे ज्यादा डिमांडिंग शोज की इंडिया डब के बारे में कन्फर्म अपडेट्स निकल के आई है। मैं बात करने वाला था गेम ऑफ थ्रोन्स कंप्लीट सीरीज के बारे में, साथ में बात करेंगे द लास्ट ऑफ अस के बारे में। तो वो अपडेट्स क्या है आज की इस वीडियो में, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक देखें। तो इस वीडियो को और देर ना करते हुए चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, देखो बात करते हैं द लास्ट ऑफ अस के बारे में, जो कि इसी साल यानी कि 2023 में ही HBO के ऊपर स्ट्रीम हुआ था, जिसमें टोटल 8 एपिसोड देखने को मिल जाते हैं। और ये शो जो है एक सेम नाम की गेम के ऊपर बेस्ड था, और जितने लोगों ने इस शो को देखा उतने लोगों ने इस शो की तारीफ ही करी। बट इस शो के साथ जो सिर्फ एक प्रॉब्लम थी वो ये कि ये शो उस टाइम पर भी और अब तक भी हिंदी में अवेलेबल नहीं हुआ है, क्योंकि जिस टाइम पर इस शो को रिलीज किया गया था उस टाइम पे इंडिया के अंदर HBO का जो कंटेंट है वो हॉटस्टार के ऊपर आता था। लेकिन अब जब से जियो ने HBO और वार्नर के साथ एक डील करी है, उसके बाद से सारी गेम चेंज हो चुकी है, और अब आपको एक एक करके HBO के ऑलमोस्ट सभी शोज जो है वो हिंदी में देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले इस शो का यानी कि द लास्ट ऑफ अस का नंबर लगने वाला है। और इस शो के बारे में जो अपडेट निकल के आ रही है वो ये कि ये शो अपने डबिंग फेज में जा चुका है। यस, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे, जितने भी लोग इस शो का वेट कर रहे थे अब तक, जिन लोगों ने इस शो को इसकी हिंदी डबिंग की वजह से नहीं देखा, उन लोगों के लिए गुड न्यूज है कि ये शो आपको डेफिनेटली हिंदी में देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा जियो सिनेमा के ऊपर। तो जितने भी लोग इस शो के हिंदी डब में आने का वेट कर रहे थे उनको कम से कम जो है 2 से 3 महीने का वेट करना पड़ेगा। आपको ये शो बहुत आराम से हिंदी के अंदर अगस्त एंड या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर एक कमाल का फन फैक्ट कि जो काम हॉटस्टार जो पिछले 3 से 4 साल में HBO के कॉन्टेंट का नहीं कर पाया, वो काम लिटरली जियो सिनेमा वाले जो है वो 1 से 1.5 साल में करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइब्रेरी को लिटरली इतना बड़ा कर लिया है। NBC आ गया, पैरामाउंट आ गया, पीकॉक आ गया, वार्नर ब्रोज आ गया, साथ में HBO का सारा कंटेंट आ गया, खुद के कंटेंट है, इंडियन तो इंडियन, हॉलीवुड तो हॉलीवुड, सारा कंटेंट उनकी लाइब्रेरी में पड़ा है, कर लो कोई सभी क्या करेगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट शो के बारे में, जिसके लिए ऑडियंस लिटरली 2011 से वेट कर रही है उसको हिंदी में देखने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में, जिसको टोटल 8 सीजन देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहले के 3 सीजन लिटरली हिंदी में डब हो चुके हैं, बट उस टाइम पे उसको ऑडियंस का इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसकी वजह से इसके आगे की डबिंग हुई नहीं कभी। बट चीजें अब लिटरली काफी डिफरेंट हो गई हैं, बिकॉज इट क्वाइट इजी टू एक्सेस ऑल दीज टाइप ऑफ कंटेंट ऑन जस्ट योर मोबाइल फोन, जिसका क्रेडिट मुझे लगता है काफी हद तक जियो को ही जाता है। बट अब सवाल ये है कि इस शो को लेके, इसके टोटल 8 सीजन को लेके क्या स्टेटस है। तो इसके बारे में जो अपडेट निकल के आ रही है वो ये कि जियो जो है वो इसकी डबिंग के ऊपर काम स्टार्ट करने वाला है, और इसको लेके अपडेट ये है कि इसके पहले के 3 सीजन को डब किया जाएगा, जो कि पूरी तरीके से डिफरेंट होंगे जिस तरीके से पहले इसकी डबिंग हुई है, और उस पर ऑडियंस का जो रिस्पॉन्स है उसको चेक किया जाएगा। अगर उनको ऑडियंस का रिस्पॉन्स अच्छा लगा, उनको लगा कि हाँ इसको करने में फायदा हो रहा है, तो डेफिनेटली इसके बाकी के सारे जो एपिसोड्स हैं, जो बाकी के सारे सीजन्स हैं, वो भी आपको हिंदी में देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। तो अब सवाल ये है कि इसकी आपको डबिंग कब तक देखने को मिलने वाली है। अभी उसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल कन्फर्मेशन निकल के नहीं आई है, बट इसके बारे में जो करंट अपडेट्स आ रही है वो ये कि इसमें कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम लगने वाला है। तो आप डेफिनेटली मान के चलो कि आपको इसके जो इसके पहले के 3 सीजन्स हैं वो आपको नवंबर या फिर दिसंबर के आसपास तीनों सीजन जो है वो हिंदी में स्ट्रीम होते हुए दिखेंगे। और अगर ऑडियंस का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आपको इसके बाकी के एपिसोड्स भी, बाकी के सीजन भी डब होते हुए दिखेंगे, और साथ में HBO के और भी शोज, स्पेशली हाउस ऑफ ड्रैगन जो जिसकी डिमांड ऑडियंस बहुत ज़्यादा करती है, वो भी आपको हिंदी डब में देखने को मिलेगा। तो ये थी छोटी सी अपडेट, छोटी सी नहीं बहुत बड़ी अपडेट, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो आप इन दोनों में से किस शो को पहले देखना चाहोगे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलना। और अगर आप लोग भी इसके हिंदी डब का वेट कर रहे हो और आपको वीडियो पसंद आई, तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दो, और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसी वीडियोस को लाता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आप लोगों से मिलूंगा नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर, एंड कीप वॉचिंग सिनेमा अलाइव 33।